हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष कुमार सिंह। आज हम लोग बॉटनी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन लॉन्ग फाइबर इन द न्यूक्लियस दे आर नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमोसोम के जो पतले धागे होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं तब उनको क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है, और जब ये कंडेंस होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं तब इनको क्रोमोसोम नाम दिया जाता है। सबसे पहले वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम टर्म दिया था, ही क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर चार मेन टाइप में बांटा गया। इसको कौन कौन सा टाइप है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर पहला जो टाइप है उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। चौथा जो होता है उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये चारों क्रोमोसोम जो है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसमें सेंट्रोमियर जो होता है बिल्कुल मिड पोजिशन में होता है, सेंटर में होता है, जिससे इसके अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी इसका पी आर्म हो गया और इसका क्यू आर्म हो गया, और दोनों आर्म जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। और ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम नंबर 1 और 3 ये दोनों जो होते हैं वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसमें सेंट्रोमियर जो होता है दे आर टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर में नहीं होते हैं, टुवार्ड्स द होते हैं, जिससे एक आर्म जो होता है वो छोटा हो जाएगा और एक आर्म बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा होगा उसको पी कहेंगे, जो बड़ा आर्म होगा उसको क्यू कहते हैं। और ये जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं नंबर में, ह्यूमन के केस में मैक्सिमम क्रोमोसोम का जो टाइप होता है वो सब मेटासेंट्रिक होता है। तीसरा जो है एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है ये टुवार्ड्स द टिप होता है, टिप की तरफ होता है, जिससे एक आर्म बहुत छोटा हो जाएगा और एक आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी पी आर्म जो होगा वो छोटा हो जाएगा और क्यू आर्म जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं ये ह्यूमन केस में 13, 15, 21 और 22 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक टाइप के होते हैं। और लास्ट जो है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल टॉप पे होता है, जिससे सिर्फ एक ही आर्म बनता है इसका टीलोसेंट्रिक में, और सेंट्रोमियर जो होगा वो बिल्कुल टॉप पे होगा। और ये बहुत रेयर पाया जाता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो ग्रॉस हॉपर्स वगैरह में, टिड्डा वगैरह में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में होगा, दोनों आर्म बराबर होगा। सब मेटासेंट्रिक में टुवार्ड्स द सेंटर होगा, तो एक आर्म छोटा एक आर्म बड़ा होगा। एक्रोसेंट्रिक में टुवार्ड्स द टिप होगा, तो एक आर्म बहुत छोटा, टू स्मॉल एंड अनदर आर्म विल बी टू लार्ज, तो टू स्मॉल एंड टू लार्ज होगा तो उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, और सिर्फ स्मॉल और लार्ज होगा तो उसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में देखिए आप, यहां पे टॉप पे होता है सेंट्रोमियर, एक ही आर्म होगा इसमें। ये तो क्या इनके क्लासिफिकेशन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय मेटाफेज के बाद एनाफेज में जब सेपरेट होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप बनाते हैं, और शेप के बेसिस पे भी इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है ये सेपरेशन के समय V का शेप बनाता है, V, क्योंकि दोनों आर्म इसका बराबर होता है, सेपरेट होते हैं, तो ये V का आकार बनाते हैं।
सब मेटासेंट्रिक जो होता है ये एल का शेप बनाते हैं, अल्फाबेट का एल, और एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं ये जे का शेप बनाते हैं, और टीलोसेंट्रिक जो होते हैं ये आई का शेप बनाते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी एग्जाम में पूछता है कि अगर सेपरेशन के समय कोई क्रोमोसोम वी का शेप बनाता है तो वो किस टाइप का होगा, तो मेटासेंट्रिक होगा। एल बना रहा है तो कैसा होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा। या ऐसे भी पूछे कि अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो सेपरेशन के समय कौन सा शेप बनाएगा, तो एक्रोसेंट्रिक है तो क्या बनाएगा, जे शेप बनाएगा। तो ये हो गया क्रोमोसोम के टाइप के बारे में और उनके शेप के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम को किस स्टेन से स्टेनिंग किया जाता है, उसका कलर करते हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेन है, जैसे एसिटोकार्बिन, इससे स्टेन करते हैं। दूसरा है जेम्सा, तीसरा है क्वीन क्राइन मस्टर्ड, और चौथा है फ्यूजन रिएक्शन। इन चारों स्टेन से हम लोग क्रोमोसोम को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्रोमोसोम का मैक्सिमम नंबर कहाँ पाया जाता है और मिनिमम नंबर कहाँ पाया जाता है। तो क्रोमोसोम का अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछे तो इन केस ऑफ प्लांट इसका मैक्सिमम नंबर होता है 2n = 1262, 1262 क्रोमोसोम होता है। ये पाया जाता है कहाँ पे, ऑफियोब्लॉसम में। ऑफियोब्लॉसम क्या है, ये एक टेरिडोफाइट है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर। लेकिन अगर यही आपसे प्लांट में पूछ के अगर एनिमल पूछे या प्लांट छोड़ के कुछ भी पूछे तो 2n = 1600 क्रोमोसोम, और ये कहाँ पाया जाता है, ऑलोकैंथा में। ऑलोकैंथा क्या है, ये एक प्रोटिस्ट है। तो ये मैक्सिमम के दो एग्जांपल हो गए आपको ना, अगर प्लांट पूछेगा तो ऑफियोग्लॉसम और एनिमल पूछेगा तो ऑलोकैंथा। और अगर क्रोमोसोम का मिनिमम नंबर पूछे तो प्लांट के केस में 2n = 4 ये पाया जाता है एप्लोपैपस ग्रेसिलिस में। ये एस्टरेसी फैमिली का प्लांट है, एस्टरेसी फैमिली जिसमें आपका सूरजमुखी और गेंदा आता है, उसी फैमिली का प्लांट है एप्लोपैपस, जिसमें 2n = 4 होता है। और अगर मिनिमम नंबर पूछे आप क्रोमोसोम एनिमल के केस में तो 2n = 2 ये पाया जाता है किसमें, एस्केरिस में। एस्केरिस लोम्ब्रिक्वाइटिस, ये राउंड वर्म है, इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब मैक्सिमम आपसे प्लांट में पूछेगा तो ही आप ऑफियोग्लॉसम बताएंगे, अगर सिर्फ मैक्सिमम पूछेगा तो सीधे बताएंगे ऑलोकैंथा 1600, और मिनिमम पूछेगा आपसे प्लांट में तो बताएंगे हिप्लोपैपस ग्रेसिलिस, और अगर एनिमल के केस में पूछेगा तो एस्केरिस लुब्रिक्वाइटिस, जहां 2n = 2 होता है। तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटा टॉपिक था, जिसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में आपको बताया कि क्रोमोसोम कब कहा जाता है, कब क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, इसको किसने नाम दिया था, कितने टाइप का होता है, शेप कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, किस किस स्टेन से इसको स्टेन किया जाता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।